श्रोताओं आज की पहेली पूछिए श्रीमान केशवदेव निवेश जी ने। इनकी पहेली इस प्रकार है, पाई मिलन की अद्भुत घड़ी है, सजना है नीचे ऊपर सजनी चढ़ी है। श्रोताओं आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही सुंदर और ज्ञानात्मक वीडियो का आनंद लेते रहें। तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग उस समय का है जब एक रक्त बीज नामक राक्षस ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिए कि आप वर मांगो। तो राक्षस बोला कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु स्त्री के हाथों हो, पुरुष के हाथों नहीं हो और मेरे खून की एक बूंद भी धरती पर टपक जाए तो नए 100 सैकड़ों रक्त बीज तैयार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब तो श्रोताओं वह राक्षस जो राक्षस था इतना शक्तिशाली हो गया कि अब दैत्यों को, जो दैत्य थे उनके साथ मिलकर के देवताओं को मारने और भगाने लगा। श्रोताओं देवता परेशान हो गए, अब करें तो करें क्या, चारों ओर हाहाकार मच गया, अब कोई उपाय नहीं बचा। तो सभी देवता मिलकर के माँ काली के पास गए और माँ काली से बोले कि माँ आप ही कोई उपाय सुझाइए, वह राक्षस तो हमको मारे ही जा रहा है और हम उसको काटते हैं तो एक बूंद खून गिरने पर सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाते हैं। तो श्रोताओं जब ये बात माँ काली से कही तो काली तैयार हो गई। माँ काली ने एक बहुत ही भयानक रूप धारण किया और भयानक रूप धारण करके अब वह राक्षसों की तरफ चली। तो श्रोताओं रक्त बीज के सामने पहुंच गई। माँ काली ने अपनी जो जीव थी वो पहले ही नीचे बिछा ली थी और रक्त बीज पर आक्रमण किया, उसने उसके का सिर काट दिया। श्रोताओं उससे खून निकला तो वो खून माँ काली की जीव पर आ गया और माँ काली पूरे खून को पी गई और माँ काली ने उस दुष्ट राक्षस रक्त बीज का वध कर दिया। श्रोताओं माँ काली के द्वारा वध करने पर जो अन्य राक्षस थे वो तो पहले ही छोड़ छोड़ कर भाग गए। अब तो माँ काली ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि जो कोई भी राक्षस उसे दिखाई देता तो वह उसको काटती और उसका खून पी जाती। श्रोताओं जब माँ काली का रूप बहुत अधिक भयानक हो गया तो माँ काली आगे बढ़ने लगी और अब उसको कोई सुध-बुध नहीं रही। अब श्रोताओं माँ काली को कौन संभाले, संभालने के लिए देवता भगवान शिव शंकर के पास गए और भगवान शिव शंकर जी से बोले प्रभु अब आप ही माँ काली को संभालिए और किसी के बस की बात नहीं है। भगवान शिव शंकर देवताओं की बात से राजी होकर के माँ काली को रोकने के लिए गए लेकिन काली रुकी नहीं। श्रोताओं भगवान शिव शंकर उसी रास्ते में आगे जाकर के लेट गए जिस रास्ते से होकर के माँ काली जा रही थी। अब माँ काली को कोई होश नहीं था लेकिन जैसे उसने पैर रखा तो सामने भगवान शिव शंकर थे और जब भगवान शिव शंकर पर पैर रखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और माँ काली शर्मा गई, अरे तूने ये क्या किया, अपने पति पर ही पैर रख दिया। तो श्रोताओं माँ काली का क्रोध शांत हो गया। तो श्रीमान जी की पहेली एक तो यही लगती है, पाई मिलन की अद्भुत घड़ी है, अर्थात माँ काली जो पार्वती थी, माँ पार्वती ने वो अद्भुत घड़ी पाई, सजना है नीचे ऊपर सजनी चढ़ी है। तो भगवान शिव शंकर नीचे हैं और माँ काली का राज रूप जो धारण करके माँ पार्वती हैं वो ऊपर हैं। उन्होंने पैर रख रखा है भगवान शिव शंकर पर, माँ काली माँ पार्वती का ही रूप थी तो इसलिए ये पहेली यहाँ लगती है कि
कि पाई मिलन की अद्भुत घड़ी है, सजना है नीचे ऊपर सजनी खड़ी है। तो सजना भगवान शिव शंकर नीचे पड़े हुए हैं और काली का रूप धारण करके माँ पार्वती उन पर पैर रख रही हैं, तो सजनी ऊपर है। श्रोताओं एक प्रसंग हम और भी सुनाते हैं। एक प्रसंग उस समय का है जब एक जालंधर नामक राक्षस हुआ, जो कि उसने तपस्या अधिक कर ली थी, इसलिए वो देवताओं से युद्ध लड़ रहा था। उसने सभी देवताओं को हरा दिया था। भगवान शिव शंकर विष्णु आदि ब्रह्मा सभी देवता हार चुके थे, लेकिन अब देवता सोचने लगे ये मारा जाए तो कैसे मारा जाए। तो श्रोताओं देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु आए। इधर जालंधर भगवान शिव शंकर से युद्ध कर रहे थे, तो जो भगवान विष्णु थे वो उनकी पत्नी के पास गए। श्रोताओं उनकी पत्नी का नाम था वृंदा। तो वृंदा के पास भगवान शिव शंकर जालंधर का रूप बना कर गए और जा करके उससे कुछ मिलन किया, और जब मिलने के बाद उसका सातत्य भंग हो गया वृंदा का, तो जालंधर तुरंत ही मारा गया और उसका सिर कटकर एकदम से आ गिरा। भगवान विष्णु वहीं खड़े हुए थे, तो वृंदा बोली तू कोई छलिया है, निश्चित ही तूने मेरे साथ छल किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जा, तू बोल नहीं रहा है, तूने मेरे साथ छल किया है, तू पत्थर बन जा। श्रोताओ बदले में भगवान विष्णु ने भी श्राप दे डाला, अगर मैं पत्थर बनूंगा तो तू मेरे ऊपर आकर चढ़ेगी, तू इस जंगल में की वनस्पति बन जा, तुलसी बन जा, और जब तक तू नहीं चढ़ेगी जब तक मैं कुछ मानूंगा ही नहीं। तो ऐसे आपस में श्राप लग गए। अब भगवान शिव शंकर बिल्कुल एकदम पत्थर के हो गए। श्रोताओ इसके बाद माँ लक्ष्मी आई। माँ लक्ष्मी ने वृंदा के हाथ पैर जोड़े, तब जाकर के वृंदा ने भगवान विष्णु को सही किया था। तो श्रोताओ अब लक्ष्मी जी ने भी अनुमति दे दी थी कि आप भी जब ये शैलग्राम रहेंगे, शैलग्राम अवतार में रहेंगे, तो आप ही इनकी पत्नी होंगी और आप इनके ऊपर चढ़ोगी। तो श्रोताओ उस जगह पर भी जो शैलग्राम जी हैं उनके ऊपर वृंदा उनकी पत्नी के रूप में यानी तुलसी बन करके चढ़ती है। तो श्रोताओ अब पहेली का जवाब लग चुका है कि पाई मिलन की अद्भुत घड़ी है, सजना है नीचे ऊपर सजनी चढ़ी है। तो दूसरा प्रसंग यहाँ लगता है। अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम।